हाँ जी, मामला ये है कि मेरी सिस्टर और उनके जीजा जी, मेरी रियल सिस्टर हैं और उनके उनके हस्बैंड मेरे जीजा जी दोनों कोविड पॉजिटिव निकले 29 तारीख को। तो हमें ये रेकमेंड किया गया कि अभी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो हमें फटाफट उनको भर्ती कराना था और ये अस्पताल उनको भर्ती करने को तैयार था। तो इन्होंने हमें बुलाया कि आप आके एक बारी पैकेज की डिटेल्स पता कर लीजिए। मैं आया, इन्होंने मुझे 1,55,000 रुपये का पैकेज बताया जो 7 से 10 दिन का पैकेज था एक मरीज का, और उसमें इन्होंने बोला था 3100 रुपये जनरल वार्ड के बेड का चार्ज है क्योंकि इनके पास और प्राइवेट रूम खाली नहीं थे, सिर्फ जनरल वार्ड ही खाली था। तो हमने कहा कि आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हमें जनरल वार्ड भी मंजूर है। तो 3100 रुपये का उसका चार्ज था और बाकी सारा कुछ मिला मिलू के इन्होंने 1,55,000 रुपये का एक बंदे का पैकेज बताया था। हमने इनको पैसे जमा कराए 3,10,000 और दोनों पेशेंट अपने भर्ती कराए, मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड मेरे जीजा जी। आज जब उनको डिस्चार्ज करने की बारी आई है तो ये 2,00,000 रुपये का बिल ऊपर से बना के बैठे हुए हैं। जो 3100 रुपये बेड का चार्ज था वो 10,000 रुपये हो गया, उसमें सिर्फ बेड का चार्ज 10,000 रुपये है, चद्दर और तकिए के गिलाफ और ब्लैंकेट उसके 5,000 रुपये रोज़ के ही अलग से ले रहे हैं। खाने की गाइडलाइन 1200 रुपये की है, ये 2500 रुपये खाने का लगा रहे हैं। जितनी दवाइयाँ इन्होंने दी हैं किसी का बिल नहीं दे रहे, कोई ब्यौरा नहीं दे रहे कि हमने क्या दवाइयाँ यूज़ की हैं, क्या आपके पेशेंट को मिला है, उसका बिल अलग से इन्होंने 30,000 रुपये लगाया हुआ है। और 2 लाख रुपये का बिल ये बना के बैठे हुए हैं और ये तब तक पेशेंट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं जब तक हम पैसा जमा नहीं करेंगे। किसी से बात नहीं हो पा रही है, ना किसी से ये बात करवा रहे हैं, सिर्फ धांधलेबाजी चल रही है यहाँ पे, सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहे हैं कोविड के नाम पे कि कोविड पेशेंट आ गया अब ये कहीं जा तो सकता नहीं, तो जितना पैसा इनकी फैमिली से लूज सकते हैं हम ले लें। उसके बावजूद इनसे हमने बोला कि हमें बिल दे दीजिए, हम आपको तब पेमेंट करेंगे, ये कह रहे पहले पेमेंट करो बाद में बिल देंगे। ये कहाँ का रूल है? गवर्नमेंट का रूल तो नहीं है ये। गवर्नमेंट का रूल तो ये है कि ग्राहक का हक बनता है पहले बिल लेने का बाद में पेमेंट देने का। हम शिकायत करने जा रहे हैं, हमने डीएम साहब को फ़ोन कर दिया है, वो कहीं एक घंटे के लिए बिजी हैं किसी मीटिंग में, वो उसके बाद उन्होंने एक्शन लेने का वादा किया है। डीएम साहब को बता दिया जा चुका है, पेशेंट ऊपर से हमें वीडियो भेज रहा है, जितने बाकी पेशेंट्स हैं वो सब परेशान हैं, सब के सब हम कंप्लेंट करने के चक्कर में हैं क्योंकि खाने में कुछ नहीं दे रहे। खाने में कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी उबली दाल, कभी खिचड़ी, और उसका 2500 रुपये रोज़ का एक पेशेंट का। एक बारी कोविड टेस्ट इन्होंने दोनों पेशेंट्स का करवाया है और 3 बार बिल में दिखाया हुआ है कि हमने आपका कोविड टेस्ट कराया है। मेरा नाम जसविंदर है और मेरी मेरी जो दीदी हैं उनका नाम है मनीत कौर और जिया जी का नाम है दिलप्रीत सिंह। हाँ जी, अभी ठीक हैं, होम आइसोलेशन के लिए जा रहे हैं, ऑर्डर आ चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं उनको यहाँ पे, आज 11वां दिन है और जो गवर्नमेंट की आज गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से उनको 14 दिन का होम आइसोलेशन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। अच्छा लगाया इन्होंने। हाँ जी, कम करना नहीं करते हैं, क्या करेंगे आगे? हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे, हम डीएम साहब के पास भी जाएंगे, चाहे मुझे पर्सनली मिलना पड़े उनसे मैं पर्सनली मिलूंगा, मैं सीएमओ के पास भी जाऊंगा। ये तो कह रहे हैं कि हम पेशेंट का खाना बंद कर देंगे उनको, मतलब हमें तो अब इस समय पेशेंट की सुरक्षा की चिंता है, इस समय कि हमारे पेशेंट की सुरक्षा सही रहे बस।